विंध्य क्षेत्र में दशकों से झेल रहे जल संकट को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में जो संकल्प लिया था वो आज पूरा होने जा रहा है। बांदा में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जनजीवन मिशन और नमामि गंगे परियोजना के तहत शुरू की गई खटान परियोजना और अमिल कौर पेयजल परियोजना अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। उसमें अमली कौर पेयजल परियोजना 30 सितंबर तक पूरी होने की प्रबल संभावना है। बुंदेलखंड में घर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने का जो संकल्प था, लगभग जिस समय शुरुआत हुआ 2019 में, राज्य के अंदर लगभग 5 लाख के आसपास था नल का कनेक्शन रहना। इस समय 2,64,000 के आसपास लगभग नल का कनेक्शन है और बुंदेलखंड में हमीरपुर महोबा में 99% यह है कि सभी के घरों में एक अभियान के रूप में जो जहां कमियां भी हैं, दिसंबर 2024 तक सभी के घरों तक नल का कनेक्शन और जल सुबह शाम मिलने लगे शुद्ध। संबल में गांव में फैली गंदगी से परेशान होकर ग्रामीणों ने जिला पंचायत राज अधिकारी से शिकायत की है। आपको बता दें कि संबल के गांव सैफ खास सराय में काफी समय से सफाई नहीं हुई। गांव का गंदा पानी सड़कों पर भर जाता है और प्रधान और ग्रामीणों ने एडीओ पंचायत से लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो वहीं ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने जिला पंचायत राज अधिकारी को शिकायती पत्र देकर सफाई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अलीगढ़ के थाना त्रौली क्षेत्र में 20 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक युवक मनीष आज 11 सितंबर को अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल गया हुआ था, लेकिन पत्नी मनीष के साथ नहीं, जिसके बाद युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। वहीं मृतक की बहन ने बताया कि अगर मेरे भाई की पत्नी को मायके पक्ष के लोग भेज देते तो मेरे भाई की मौत नहीं होती। वहीं आपको बता दें कि मृतक की पत्नी गर्भवती थी। वहीं परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है।